उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 132 गांवों में पिछले 3 महीने में 216 बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन इनमें से एक भी लड़की नहीं है। ये आंकड़े इशारा करते हैं कि मादा भ्रूण हत्या किस हद तक समाज में जड़ कर चुकी है। लिंगानुपात के नए आंकड़ों में उत्तराखंड की स्थिति भयावह है। 2007 में यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर महज 869 महिलाएं थीं, जो 2016 में घटकर 825 ही रह गई हैं। भारतीय समाज 21वीं सदी के आधुनिक युग में बेशक प्रवेश कर चुका है, लेकिन बेटियों को कोख में मार देने की पुरातन मानसिकता नहीं छोड़ पाया है। अब उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 132 ऐसे गांवों का पता चला है जहां पिछले 3 महीने में 216 बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन इनमें एक भी लड़की नहीं है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 3 महीने में डुंडा ब्लॉक के 27 गाँवों में 51, भटवारी ब्लॉक के 27 गाँवों में 49, नौगांव ब्लॉक के 28 गांवों में 47, मोरी ब्लॉक के 20 गांवों में 29, चिन्यालिसौर ब्लॉक के 16 गांवों में 23 और पुरोला ब्लॉक के 14 गांवों में 17 बच्चे पैदा हुए, लेकिन इनमें एक भी लड़की नहीं है। इन आंकड़ों से सवाल पैदा होते हैं कि क्या इन गांवों में बेटियां कोख में ही मारी जा रही हैं? क्या राज्य में निजी डायग्नोस्टिक सेंटर में भ्रूण के लिंग की जाँच और गर्भपात का कोई रैकेट चल रहा है? और क्या परिवार और डायग्नोस्टिक सेंटर के ऐसे किसी रैकेट में स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं? देश के विभिन्न भागों में लिंग अनुपात को बेहतर बनाने के लिए 5 साल से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम चल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ जैसी संस्थाएं सरकार के सहयोग से कई दशक से लिंग अनुपात को विश्व स्तर का बनाने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन हाल ही में जारी हुए आंकड़े बताते हैं कि भारत में लिंग अनुपात बिगड़ रहा है। नए आंकड़े रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय ने जुटाए हैं। इसके मुताबिक प्रति 1000 पुरुषों पर कर्नाटक में 806, राजस्थान में 806, उत्तराखंड में 825, बिहार में 837 और तमिलनाडु में 840 महिलाएं हैं। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि उत्तरकाशी जिले के 132 गांवों में पिछले 3 महीने में 216 नवजातों का जन्म लेना और उनमें एक भी लड़की का नहीं होना सरकारी कोशिशों को बड़ा धक्का है। शाहनवाज मलिक, गो न्यूज़।